हेलो एवरीवन, आज हम अपने मानसून के बारे में बात करेंगे कि मानसून का आरंभ कैसे होता है, मानसून लौटता कब है, किस समय भारत में मानसून प्रवेश करता है, कब भारत से लौटता है, और उसके अलावा शीत ऋतु ग्रीष्म ऋतु की बात करेंगे। तो जो हमने पिछले अपने वीडियो में बात करी थी उसमें हमने पढ़ा था कि जैसे भारत में जो जलवायु है उसको प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, मानसून को प्रभावित करने वाली प्रक्रियाएं कौन कौन सी हैं। आज सबसे पहले हम देखते हैं मानसून का प्रारंभ कि मानसून आरंभ कैसे होता है, भारत में मानसून कैसे आरंभ होता है, कैसे आता है। आप सभी को पता है कि जैसे कि ये आपकी है कर्क रेखा जो भारत के बिल्कुल मध्य से होके गुजरती है, उसके बाद में आपकी आती है भूमध्य रेखा, उसके बाद में नीचे आपकी आती है मकर रेखा। ये 30.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 0 डिग्री और ये 30.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश। आप सभी को पता है कि यहाँ पर आपका जो सूर्य है, ये जो आपका सूर्य है ये कब लंबवत होता है, कर्क रेखा पर 21 जून को लंबवत होता है। ठीक है, हमने अपनी पवनों के बारे में पढ़ा है। पवनें जो होती है जैसे व्यापारिक पवनें जो होती है तो वो आपकी कहाँ मिलती है, भूमध्य रेखा पर मिलती है। जो व्यापारिक पवनों की स्थिति होती है वो किस प्रकार से होती है आपकी, इस प्रकार से व्यापारिक पवनों की स्थिति होती है। ठीक है, जो भूमध्य रेखा पर आकर मिलती है दोनों। और ये जो आपका क्षेत्र कहलाता है ये कौन सा कहलाता है आपका, ITCZ। ये क्षेत्र कौन सा कहलाता है, ITCZ, मतलब जहाँ पर आपकी व्यापारिक पवनें, या इसको हम दूसरे शब्दों में कह सकते हैं सन्मार्गी पवनें, जहाँ पर आपकी व्यापारिक पवनें आकर मिलती है वो क्षेत्र कहलाता है आपका ITCZ। ठीक है, ये आपका नॉर्मल टाइम पे होता है वर्ष में, जब आपकी दो टाइम पर, जो आपकी दो टाइम पर सूर्य लंबवत होता है भूमध्य रेखा पर, एक तो होता है 21 मार्च को और दूसरा होता है आपका 23 सितंबर को। ये दो टाइम होते हैं जब आपका सूर्य लंबवत होता है का भूमध्य रेखा पर। ठीक है, तो ITCZ यहाँ आपकी जो होती है व्यापारिक पवन आके मिलती है, जिसको हम कह सकते हैं अंतः उष्ण कटिबंधीय अभिसरण पेटी। ठीक है, जब आपका सूर्य उत्तरायण होता है या दक्षिणायन होता है, उत्तरायण का मतलब हो जाएगा कि जब सूर्य आपका 21 जून को कर्क रेखा पे लंबवत होता है तो जो आपकी ITCZ है ये भी आपकी क्या होती है, उत्तर की ओर खिसकती है। इसी प्रकार से जब आपका सूर्य 22 दिसंबर को मकर रेखा पे लंबवत होता है, कब होता है, 22 दिसंबर को मकर रेखा पे लंबवत होता है, तो जो आपकी ITCZ है वो दक्षिण की ओर खिसकती है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जब आपकी ITCZ 21 जून को उत्तर की ओर खिसक रही है तो जो आपकी यहां से ये जो आने वाली कौन सी पवने है, दक्षिणी पूर्वी व्यापारिक पवने, कौन सी पवने है आपकी, दक्षिणी पूर्वी व्यापारिक पवने। क्यों इनको दक्षिणी पूर्वी व्यापारिक पवने क्यों कहते हैं, क्योंकि ये हमारा है दक्षिण वाला हिस्सा और ये हमारा है पूरब वाला हिस्सा। ठीक है, और पवनों की दिशा आपकी कहाँ से चल रही है, दक्षिण पूरब से चल रही है। पवने जहाँ से चलती है उसकी दिशा वही होती है, जैसे कि ये हमारी कहाँ से चल रही है, दक्षिण पूरब से चल रही है। तो ये दक्षिण पूर्वी व्यापारिक जो पवने हैं वो आपके ऊपर तक आएंगी और इस प्रकार से जो आगे यहाँ पर जो आपकी पवनें आएंगी ये किस में कन्वर्ट हो जाएगी, इधर दक्षिणी पश्चिमी मानसून में कन्वर्ट हो जाएगी। और इस प्रकार से दक्षिणी पश्चिमी मानसून जो है वो भारत में वर्षा करता है। ये है आपका दक्षिणी पश्चिमी मानसून। अगर आपसे पूछा जाता है कि दक्षिणी पश्चिमी जो मानसून होता है ये दक्षिणी पूर्वी व्यापारिक पवनों का ही विस्तार है, दक्षिणी पूर्वी व्यापारिक पवनों का ही विस्तार क्या है, दक्षिणी पश्चिमी मानसून है। तो इस प्रकार से जब आपकी ITCZ भी उत्तर की ओर खिसक जाती है तो जो ये पवने हैं वो आपकी भूमध्य रेखा को पार करके आपकी कहाँ जाती है, उत्तरी गोलार्ध में आ जाती है। और उत्तरी गोलार्ध में ये पवने ये जलीय भाग से क्या ग्रहण करती है, आर्द्रता ग्रहण करती है, जलीय भाग से आर्द्रता ग्रहण करती है और दक्षिणी पश्चिमी मानसून के द्वारा आपके भारत में प्रवेश कर जाती है। पहला तो ये आपका रीज़न। इसके अलावा दूसरी आपकी बात हम करें कि आपकी जो जेट स्ट्रीम है, जेट प्रवाह जो हम कहते हैं, जेट प्रवाह, ये आपकी जो शीत ऋतु का टाइम होता है जब आपका सूर्य दक्षिणी गोलार्ध में होता है तब आपकी जेट स्ट्रीम कहाँ होती है, भारत के इस जगह पर होती है, भारत के उत्तर में यहाँ पर होती है। लेकिन जब आपकी ITCZ उत्तर की ओर खिसकती है तब 21 जून को ITCZ जब उत्तर की ओर खिसकती है तो जो आपकी जेट स्ट्रीम है, जेट स्ट्रीम भी क्या हो जाती है, उत्तर की ओर खिसक जाती है। ठीक है, जेट स्ट्रीम भी उत्तर की ओर खिसक जाती है। इस प्रकार से आपके इस टाइम पीरियड पर यहाँ पर क्या होता है कि इधर की तरफ जो आपकी ये भाग है, ये यहाँ का जो आपका तिब्बत का पठारी भाग है, ये आपका कौन सा है, ये आपका है तिब्बत का पठार,
और ये है आपका थार का मरुस्थल, ठीक है। ये तिब्बत का पठार है और ये थार का मरुस्थल है। तो आपका इस जगह से जो हीटिंग हो जाते हैं, क्यों? क्योंकि 21 जून को आपका सूर्य कर्क रेखा पे लंबवत हो रहा है, तो तिब्बत का पठार और थार के मरुस्थल में हीटिंग बढ़ जाती है। तो ये जब ज़्यादा गर्म हो जाते हैं, तो गर्म होने की वजह से यहाँ से पवने ऊपर उठती है, कहाँ पर? शोभ मंडल की तरफ। यहाँ से पवने ऊपर उठती है शोभ मंडल की तरफ, और आपकी ये पवने कहाँ जाती है? आगे जाती है। किस जगह पर जाती है आपकी? एक अफ्रीका के पास में, अफ्रीका महाद्वीप के पास में एक द्वीप आता है मेडागास्कर। यहाँ पर आपका 15 डिग्री अक्षांश पर, 15 डिग्री अक्षांश पर यहाँ पर आपका एक द्वीप आता है जिसको हम कहते हैं मेडागास्कर, अफ्रीका के पास में 15 डिग्री उत्तरी अक्षांश के पास में। तो यहाँ तक ये जो पवने हैं ये आगे बढ़ती है, जिसको हम कहते हैं पूर्वी जेट। इन पवनों को हम क्या कहते हैं? पूर्वी जेट कहते हैं। उसके बाद में ये पवने इस मेडागास्कर द्वीप से नीचे उतरती है, और नीचे उतरकर ये दक्षिणी पश्चिमी मानसून का रूप ले लेती है और भारत में प्रवेश कर जाती है दक्षिणी पश्चिमी मानसून के रूप में। तो दोनों ही वजह से आपकी जो दक्षिणी पश्चिमी मानसून है वो क्या हो जाती है? प्रभावशाली हो जाती है, और भारत में जो 90% वर्षा होती है वो दक्षिणी पश्चिमी मानसून के द्वारा ही होती है, जिसको हम कह सकते हैं ग्रीष्मकालीन मानसून। आगे हम इसमें देखते हैं कि आपकी जो शीत ऋतु होती है, ठीक है, ये तो हमने अभी जब बात करी वो कब करी? ग्रीष्म ऋतु की करी, जिसमें आपका सूर्य कर्क रेखा पर लंबवत होता है। शीत ऋतु के टाइम पर अगर हम इसमें बात करते हैं कि शीत ऋतु के टाइम पर क्या होता है, जो आपकी जेट स्ट्रीम है, शीत ऋतु के टाइम पर आपके दो प्रकार से वर्षा होती है। किस प्रकार से? दो प्रकार से भारत में वर्षा होती है। वैसे तो आपके शीत ऋतु में भारत में वर्षा बहुत ही कम होती है, शीत ऋतु में जो भारत में वर्षा होती है वो बहुत कम होती है, ठीक है। 10% वर्षा आपकी शीत ऋतु में होती है। अब इसमें हम आगे देखते हैं शीत ऋतु के टाइम की। जब आपका शीत ऋतु के टाइम पर जो सूर्य है वो कहाँ लंबवत होता है? यहाँ लंबवत होता है, मकर रेखा पे लंबवत होता है। तो सूर्य की स्थिति क्या हो जाती है? आपकी दक्षिणायन हो जाती है, ठीक है। दक्षिणायन हो जाती है तो ITCZ भी दक्षिण की ओर खिसक जाता है, ITCZ दक्षिण की ओर खिसकता है। तो जो हमने अभी आपकी जेट प्रवाह की बात करी थी, जो उत्तर की तरफ थी भारत की, वो किस जगह आती है? आपके भारत के इस जगह पर आ जाती है, ठीक है, जेट स्ट्रीम। अब जेट स्ट्रीम क्या होती है? ये कहाँ से आपकी जो है आर्द्रता ग्रहण करती है और यहाँ तक पहुँचती है? आप सभी ने जो अफ्रीका महाद्वीप है, यहाँ आपका एक अफ्रीका महाद्वीप है, ठीक है, अफ्रीका महाद्वीप के यहाँ पर उत्तर में एक महासागर, सॉरी उत्तर में एक सागर है, भूमध्य सागर, ठीक है। आप लोग अपने मानचित्र में देखना, विश्व के मानचित्र में देखना, अफ्रीका महाद्वीप के उत्तर की तरफ भूमध्य सागर है। यहाँ से पश्चिमी विक्षोभों की उत्पत्ति होती है। किन की उत्पत्ति होती है? पश्चिमी विक्षोभों की उत्पत्ति होती है, और इनको हम कह सकते हैं दूसरे शब्दों में शीतोष्ण चक्रवात, शीतोष्ण चक्रवात। तो जो आपकी ये जेट प्रवाह, ये क्या है आपकी? जेट प्रवाह, या हम इसको कहते हैं जेट स्ट्रीम। तो जेट प्रवाह जो होती है ये आपकी इन पश्चिमी विक्षोभों से, भूमध्य सागर से क्या करती है? आर्द्रता ग्रहण करती है। आपके इस टाइम पर भूमध्य सागर में शीतोष्ण चक्रवात बनते हैं, जहाँ से आपकी जेट प्रवाह क्या करती है? यहाँ से आर्द्रता ग्रहण करती है। और इसके आगे आपको छोटा सा यहाँ पे काला सागर दिखेगा, उसके आगे आपको एक कैस्पियन सागर भी दिखेगा। आप अपने विश्व के मानचित्र में देखिएगा, भूमध्य सागर के थोड़ा आगे आपको काला सागर और फिर कैस्पियन सागर। तो इस प्रकार से ये कई बड़े सागरों से जो जेट प्रवाह है वो क्या लेके आती है? आर्द्रता लेते हुए आती है, और आर्द्रता लेके आकर ये यहाँ पर भारत के उत्तर वाले हिस्से में दो शाखाओं में बढ़ जाती है, जिसकी एक शाखा होती है उत्तरी शाखा और इसकी एक शाखा होती है दक्षिणी शाखा, ठीक है। यह है इसकी दक्षिणी शाखा और यह है इसकी उत्तरी शाखा। तो जो इसकी उत्तरी शाखा है, इसकी उत्तरी शाखा के द्वारा तो हमारे कहाँ पर? जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड वाले भाग में काफ़ी वर्षा हो जाती है, ठीक है, काफ़ी वर्षा हो जाती है। और जो इसकी दक्षिणी शाखा है, इस दक्षिणी शाखा से इसके राजस्थान वाले भाग और पंजाब हरियाणा वाले भाग में
हमारे वर्षा होती है। तो हमें क्या याद रखना है कि जो शीत ऋतु है, शीत ऋतु में जो हमारी वर्षा होती है, ठीक है, वो कहाँ से प्राप्त होती है, कहाँ से, भूमध्य सागर पश्चिमी विक्षोभों से, जेट स्ट्रीम के माध्यम से, जिसकी दो शाखा उत्तर और दक्षिण की तरफ जाती है। तो जो आपकी दक्षिणी शाखा में आपकी वर्षा होती है वो किससे होती है, कहाँ होती है, राजस्थान, पंजाब और हरियाणा वाले क्षेत्र में होती है। उसके अलावा हम बात करें, इसको हम राजस्थान में मावट भी कह सकते हैं, ठीक है, जो कि हमारी रबी की फसल के लिए काफ़ी अच्छी होती है। रबी में हमारी जैसे गेहूं की फसल आ जाती है, गेहूं रबी की फसल के लिए काफ़ी अच्छी होती है। और जो यहाँ के पर्वतीय और पहाड़ी क्षेत्र हैं, जो यहाँ के पर्वतीय पहाड़ी क्षेत्र हैं, यहाँ पर ये सेब की फसल, एप्पल की फसल के लिए अच्छी होती है, ठीक है। उसके बाद में हम एक चीज़ बात करते हैं, हम दूसरी इसकी मानसून की, जो होता है हमारा उत्तरी पूर्वी मानसून, जो शीत ऋतु में जो हमारी दूसरी वर्षा होती है वो उत्तरी पूर्वी मानसूनी पवनों के द्वारा होती है। कैसे, हम देखते हैं कि उत्तरी पूर्वी मानसूनी पवनों के द्वारा जो हमारे भारत में वर्षा होती है वो सिर्फ इसी भाग में होती है जिसको हम कहते हैं तमिलनाडु या कोरोमंडल तट, या आपका होता होता है तमिलनाडु, यहाँ हम इसको कह सकते हैं कोरोमंडल तट। इसको मैं अभी आपको अपने नोट्स के माध्यम से बहुत अच्छे से स्पष्ट कर दूंगी, जिससे कि आपको नोट्स के माध्यम से इसको समझना और आसान हो जाएगा। तो ये जो हमारा कोरोमंडल तट या तमिलनाडु का तट है, यहाँ पर आपकी सबसे ज़्यादा वर्षा किससे होती है, उत्तरी पूर्वी मानसून के द्वारा होती है। उत्तरी पूर्वी मानसूनी पवनें क्या होती है, जिस प्रकार से हमारी दक्षिणी पूर्वी व्यापारिक पवनें होती है, उसी प्रकार से उत्तर में हमारी यहाँ से कौन सी पवनें चलती है, उत्तरी पूर्वी मानसूनी पवनें चलती है। अब आप इसमें देखेंगे कि जो उत्तरी पूर्वी ये जो मानसूनी पवन है, ठीक है, उत्तरी पूर्वी मानसूनी पवन जो है हमारी, ये आपके जब ITCZ दक्षिण में खिसक जाता है, ITCZ दक्षिण की तरफ खिसक जाता है, तो उत्तरी पूर्वी मानसून अधिक क्रियाशील होता है, अधिक प्रभावपूर्ण होता है। तो आपके जब आपकी यहाँ से उत्तरी पूर्वी मानसून जो आपकी पवनें चलती है, तो क्या होती है, आपकी ये उत्तरी पूर्वी मानसूनी पवनें यहाँ बंगाल की खाड़ी से आर्द्रता ग्रहण करती है। यहाँ पर आपका कौन सा सागर है, बंगाल की खाड़ी, तो यहाँ से ये आर्द्रता ग्रहण करती है, और यहाँ से आर्द्रता ग्रहण करके ये इस जगह पर क्या कर देती है, वर्षा कर देती है, अधिक वर्षा कर देती है। जबकि जब ये स्थलीय भाग से होके गुजरती है, जब भारत के स्थलीय भाग से उत्तरी पूर्वी मानसूनी पवने होके गुजरती है, तो स्थलीय भाग आपका कैसा होता है, स्थल होता है, तो यहाँ से ये आर्द्रता नहीं प्राप्त कर सकती, मतलब यहाँ जो नमी की मात्रा होगी, आर्द्रता की मात्रा होगी, वो बिल्कुल ना के बराबर होगी। इसलिए जो भारत का अन्य पार्ट जो होता है, अन्य हिस्सा जो होता है, यहाँ पर ये पवने वर्षा नहीं कर पाती, क्योंकि इनको जलवीय भाग से ही आर्द्रता ग्रहण करेगी और ये आपका स्थलीय भाग है, तो यहाँ ये वर्षा नहीं कर पाती। तो उत्तरी पूर्वी मानसून के द्वारा भारत में सिर्फ 10% ही वर्षा होती है, और वो भी जो सबसे ज़्यादा अचानक वर्षा होती है वो पूर्वी तट से टकराकर या तमिलनाडु या कोरोमंडल तट पर होती है, जो कहाँ से आर्द्रता ग्रहण करती है, बंगाल की खाड़ी से। ये आपका कौन सा है, बंगाल की खाड़ी। तो हम सभी को पता है कि जब उत्तरी पूर्वी मानसून से पवन आएगी तो हमारी बंगाल की खाड़ी से आर्द्रता प्राप्त कर लेगी और फिर यहाँ पर आके ये वर्षा कर देगी। तो इस प्रकार से आपको याद रखना है कि जो हमारा भारत में मानसून प्रवेश कैसे करता है, इसके अलावा जो शीत ऋतु है, शीत ऋतु में जो भारत में वर्षा होती है वो दो प्रकार से होती है, एक तो होती है आपकी पश्चिमी विक्षोभों से और दूसरी आपकी होती है उत्तरी पूर्वी मानसून से। इसको मैं अपने नोट्स के माध्यम से आपको और अच्छे से बताऊँगी, जिससे कि आप ये अच्छे से समझ सकें। आप चाहे तो इसकी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और आगे जब नोट्स के माध्यम से जब मैं बताऊंगी तो आप इसको और अच्छे से समझ सकते हैं। तो अभी हम आगे चलते हैं अपने नोट्स के माध्यम से देखते हैं। पहली चीज़ है इसमें मानसून का आरंभ किस प्रकार से होता है, जैसा कि अभी हमने बोर्ड के माध्यम से इसको बहुत अच्छे से समझा है। अब हम अपने नोट्स के माध्यम से इसको समझने का प्रयास करते हैं, तो आप इसे अपने नोटबुक में ज़रूर नोट कर लीजिए, जिससे कि आप जब भी अपनी नोटबुक उठाए तो आपको देखते ही याद आ जाए कि हमने मानसून के आरंभ और निवर्तन में क्या चीज़ पढ़ी थी। मानसून का आरंभ किस प्रकार से है कि सूर्य जब
कर्क रेखा पर लंबवत होता है, तो हिंद महासागर में उच्च वायुदाब का केंद्र बन जाता है और भारत के स्थलीय भाग पर न्यून वायुदाब का केंद्र विषुवत रेखा के उस पार से दक्षिण पूर्वी व्यापारिक पवनों को आकर्षित कर लेता है। अतः उष्ण कटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र उत्तर की ओर विस्थापित हो जाता है। इस प्रकार दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी पवनों को दक्षिणी पूर्वी व्यापारिक पवनों का ही विस्तार माना जाता है। हमने अपने पिछले वीडियो में जब मानसून को प्रभावित करने वाली प्रक्रियाओं के बारे में पढ़ा था तो इस चीज़ को बहुत अच्छे से मैंने स्पष्ट किया था कि जब आपका सूर्य कर्क रेखा पर लंबवत होता है तो जो आईटी सीजेट है वो भी आपका उत्तर की ओर खिसक जाता है। इसी प्रकार से जो दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी पवन है इसको हम दक्षिणी पूर्वी व्यापारिक पवनों का ही विस्तार मानते हैं। दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी पवन कोई अलग पवन नहीं है, दक्षिणी पूर्वी व्यापारिक पवनों का ही विस्तार है। जो कि दक्षिणी पूर्वी व्यापारिक पवने क्या होती है, भूमध्य रेखा को पार करके आपके ऊपर की तरफ आती है आईटीसीजेड के उत्तर में खिसकने के कारण, तो यही आपकी दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी पवनों में कन्वर्ट हो जाती है। आईटीसीजेड के उत्तर में खिसकने के कारण पश्चिमी जेट प्रभावी उत्तर की ओर खिसक जाता है, जिससे 15 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर पूर्वी जेट प्रभाव विकसित हो जाता है। इसी पूर्वी जेट प्रभाव को भारत में मानसून के आरंभ के लिए जिम्मेदार माना जाता है। जैसा कि मैंने अभी आपको बोर्ड के माध्यम से इसे बहुत अच्छे से स्पष्ट किया है कि किस प्रकार से आपका आईटीसीजेड उत्तर की ओर खिसकता है और भारत में मानसून के लिए वो जिम्मेदार होता है। आगे हम इसमें देखते हैं कि जैसे कि आपका भारत का मानचित्र है, अभी मैंने आपको बोर्ड के माध्यम से स्पष्ट कर ही चुकी हूँ मैं आपको अच्छे से, और आगे हम इसमें मानसून का निवर्तन या लौटना, ठीक है, मानसून किस समय आप लौटता है उस ऋतु को हम मानसून के निवर्तन की ऋतु कहते हैं, कि जब अक्टूबर और नवंबर के महीनों में मानसून को निवर्तन की ऋतु कहा जाता है, ठीक है, इस टाइम को हम क्या कहते हैं, मानसून के लौटने की ऋतु कहते हैं। मानसून के निवर्तन ऋतु में आकाश स्वच्छ हो जाता है, तापमान बढ़ने लगता है, उच्च तापमान और आर्द्रता की दशाओं से मौसम कष्टकारी हो जाता है, जिसे कार्तिक मास की ऊष्मा कहा जाता है। आपसे पूछा जा सकता है कि कार्तिक मास की ऊष्मा किसे कहा जाता है, जब आपका मानसून लौटता है तो आपके तमिलनाडु के तट से होते हुए लौटता है जहां पर आपके सबसे अधिक वर्षा करता है। आपसे पूछा जा सकता है कि लौटते हुए मानसून से सबसे अधिक वर्षा किस तट पर होती है, तो आपको पता होना चाहिए लौटते हुए मानसून से सबसे अधिक वर्षा कोरोमंडल तट या तमिलनाडु के तट पर होती है। आगे इसमें है कि भारत में मानसून की तिथियां, अब इसमें आप देखिए कि भारत में मानसून की तिथियां आगमन की सबसे पहले हम देखते हैं आगमन कब होता है। 25 मई के लगभग भारत में मानसून प्रवेश करता है, कहाँ से, अंडमान निकोबार द्वीप समूह से। कई बार आपका प्रश्न बनता है कि भारत में सबसे पहले मानसून कहाँ से प्रवेश करता है, हम सबको यही पता है कि भारत 1 जून को केरल राज्य से प्रवेश करता है, भारत में मानसून 1 जून को केरल से प्रवेश करता है। लेकिन अगर आपके मान लीजिए कॉम्पिटिशन पेपर के अंदर ऑप्शन में अंडमान निकोबार द्वीप समूह भी दे दिया जाता है, तो आपको राइट आंसर कौन सा करना है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह करना है। जैसा कि आप इसमें इस मानचित्र के अंदर आप आसानी से देख सकते हैं, इस मानचित्र में आप कि आपका जो यहाँ से आपका जो मानसून प्रवेश कर रहा है वो 25 मई के लगभग अंडमान निकोबार द्वीप समूह से प्रवेश करता है सबसे पहले, और उसके बाद में 1 जून के लगभग केरल से प्रवेश करता है, और जो अंतिम मानसून प्रवेश करता है वो राजस्थान में प्रवेश करता है बिल्कुल पश्चिम में 15 जुलाई के आसपास। तो आपको अगर पूछा जाता है कि भारत में सबसे पहले मानसून कहाँ से प्रवेश करता है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, कब, 25 मई, उसके बाद में केरल से 1 जून, और जो अंतिम मानसून सबसे अंत में जहां प्रवेश करता है मानसून वो है हमारा राजस्थान 15 जुलाई के आसपास का। तो ये तीन तिथियां आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है जो आपको याद रखनी है। उसके बाद में हम इसमें आगे देखते हैं कि जो भारत में मानसून का प्रत्यागमन होता है, क्या होता है, प्रत्यागमन का मतलब होता है लौटना, कि भारत में मानसून के लौटने की तिथियां कौन कौन सी है। तो भारत में मानसून कब लौटना प्रारंभ करता है, सबसे पहले 15 सितंबर से लौटना प्रारंभ करता है, कहाँ से, राजस्थान से, मतलब 15 सितंबर
अगर सबसे अंतिम में मानसून अगर राजस्थान में पहुंचता है तो सबसे पहले भी कहां से लौटेगा, वो राजस्थान से लौटेगा। 15 सितंबर के लगभग राजस्थान से लौटना प्रारंभ करता है और 15 दिसंबर तक समाप्त हो जाता है तमिलनाडु से। मतलब 15 दिसंबर तक जो मानसून है वो भारत से पूरी तरह निकल जाता है। किस जगह से? तमिलनाडु के तट से, या हम बात करें कोरोमंडल के तट से। इसीलिए लौटते हुए मानसून से तमिलनाडु के तट पर अधिक वर्षा होती है। तो आपको ये बहुत अच्छे से याद रखना है कि 15 दिसंबर तक मानसून तमिलनाडु से लौट जाता है। इसके बाद में मानसून विस्फोट किसे कहते हैं कि जून माह के प्रारंभ में हिमाचल प्रदेश उत्तराखंड में अचानक अत्यधिक वर्षा का हो जाने ही मानसून विस्फोट कहलाता है। कई बार आपका 20 शब्दों में प्रश्न बन सकता है, 50 शब्दों में, कि मानसून विस्फोट किसे कहते हैं। आगे हम इसमें देखते हैं कि मौसम वैज्ञानिक वर्ष को निम्नलिखित ऋतुओं में बांटते हैं, ठीक है। जैसा कि हम इसमें शीत ऋतु और ग्रीष्म ऋतु के बारे में पढ़ेंगे, सबसे पहले हम इसमें देखते हैं शीत ऋतु। शीत ऋतु का जो समय होता है वो कौन सा होता है? सितंबर से फरवरी तक का। आपकी जो शीत ऋतु होती है वो सितंबर से फरवरी तक के बीच में होती है। इसके बाद में लगभग शीत ऋतु का जो तापमान होता है वो 21 डिग्री सेंटीग्रेड औसत होता है, लगभग 21 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, जिसमें हम विशेष बात करें कि मावट आपकी शीत ऋतु में ही होती है। एक प्रकार की चक्रवातीय वर्षा है जिसकी उत्पत्ति कहाँ से होती है? भूमध्य सागर पश्चिमी विक्षोभों से होती है। जो अफ्रीका के ऊपर भूमध्य सागर है वहाँ से आपकी पश्चिमी विक्षोभों से किसकी उत्पत्ति होती है? मावट, जिसे हम कहते हैं चक्रवाती वर्षा। इसकी दिशा कैसे होती है? पश्चिम से पूरा होती है। और कब होती है? ये दिसंबर और जनवरी में होती है। उसके बाद में हम इसमें देखते हैं कि जो मावट से सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र है वो कौन कौन से? आपके उत्तरी पश्चिमी भारत वाला भाग है, जिसमें राजस्थान, पंजाब और हरियाणा आ जाते हैं। मावट के टाइम पर आपकी जो रबी की फसल है वो काफ़ी अच्छी होती है। जैसे कि हम बात करें गेहूं की, तो गेहूं आपका अक्टूबर नवंबर में बोया जाता है, मार्च अप्रैल में काटा जाता है। तो जो आपकी रबी की फसलें हैं उनके लिए मावट अच्छी रहती है। इसी प्रकार से हम अगर पहाड़ी या पर्वतीय क्षेत्रों की बात करें तो पर्वतीय क्षेत्रों में जो आपकी पश्चिमी विक्षोभों से जो हिमपात या वर्षा होती है वो सेब की खेती के लिए अच्छी रहती है। पर्वतीय प्रदेशों में सेब के लिए अच्छी रहती है और हमारे मैदानी क्षेत्रों में रबी की फसल के लिए अच्छी रहती है। इसके बाद हम बात करें शीतलहर किसे कहते हैं कि पश्चिमी विक्षोभों से हिमाचल प्रदेश में जो अत्यधिक वर्षा हो जाती है। मैंने अभी आपको अपने लास्ट वीडियो में जेट स्ट्रीम के बारे में बताया था, जिसमें बताया था कि आपकी जो हिमाचल प्रदेश में काफ़ी वर्षा होती है पश्चिमी विक्षोभों से, तो उसकी वजह से जो ठंडी पवनें चलती है वो राजस्थान की ओर चलती है। इसको हम क्या कहते हैं? शीतलहर कहते हैं। राजस्थान में चलती है, इसको शीतलहर कहते हैं। और राजस्थान में इसको हम पूर्वाई भी कहते हैं। पूर्वाई क्यों कहते हैं? क्यों? क्योंकि आपकी जो हिमाचल प्रदेश है वो राजस्थान से कहाँ है? पूरब में है। ये आपका हिमाचल प्रदेश राजस्थान से पूरब में है, तो जो आपकी यहाँ से जो हवाएं बहती हुई आएगी ये कहाँ से आ रही है? आपकी पूरब से आ रही है, तो पूरब से राजस्थान की तरफ आ रही है, इसको हम पूर्वाई भी कहते हैं। पूरब से आई हुई होती है इसलिए राजस्थान में से पूर्वाई कहते हैं। उसके बाद में हम बात करें उत्तरी पूर्वी मानसूनी पवने की। मैंने अभी आपको बोर्ड के माध्यम से इन दोनों को बहुत अच्छे से स्पष्ट किया है कि जो शीत ऋतु में भारत में आपकी जो वर्षा होती है वो दो ही के द्वारा होती है, दो ही मानसूनों के द्वारा। एक तो आपकी होती है पश्चिमी विक्षोभों के द्वारा होती है और दूसरी होती है उत्तरी पूर्वी मानसूनी पवनों के द्वारा होती है। तो ये क्या होती है कि अक्टूबर से नवंबर के बीच बंगाल की खाड़ी को पार करते समय जो आपकी पवने वो नमी ग्रहण कर लेती हैं और तमिलनाडु, दक्षिणी आंध्र प्रदेश, दक्षिणी पूर्वी केरल, कोरोमंडल तट पर झंझावत वर्षा करती है, जैसा मैंने अभी आपको बोर्ड के माध्यम से इसको बहुत अच्छे से स्पष्ट कर दिया है। आगे हम इसमें देखते हैं कि प्रायद्वीपीय भारत में कोई निश्चित शीत ऋतु नहीं होती है। तटीय भागों में भी समुद्र के समकारी प्रभाव और भूमध्य रेखा की निकटता के कारण ऋतु के अनुसार तापमान वितरण प्रतिरूप में शायद ही कोई बदलाव आता हो। जैसे तिरुवनंतपुरम में जनवरी का तापमान 31 डिग्री सेल्सियस जबकि जून में 29.5 डिग्री सेल्सियस पाया जाता है, और इस प्रकार कम तापांतर पाया जाता है।
शीत ऋतु में जो प्रायद्वीपीय भारत, या हम बात करें जो तटीय क्षेत्र जो आपके होते हैं, जैसे कि केरल की आपकी राजधानी यहाँ पर तिरुवनंतपुरम, ठीक है, तो तिरुवनंतपुरम का जो जनवरी का तापमान है वो कितना 31 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है, जबकि जो जून का तापमान है वो 29 डिग्री सेल्सियस है। तो इन दोनों ही तापमान में हम अगर देखें तो ज़्यादा अंतर नहीं है। मतलब आप एक तरफ तो देखोगे कि जनवरी के तापमान 50 डिग्री सेंटीग्रेड पहुंच रहा है, और एक तरफ आप जून के सॉरी आप एक तरफ देखेंगे कि जनवरी का तापमान आपका 10 डिग्री सेंटीग्रेड पहुंच रहा है, तो एक तरफ आप देखेंगे जून का तापमान आपका 50 डिग्री सेंटीग्रेड पहुंच रहा है। तो इन दोनों के तापमान में बहुत अधिक अंतर पाया जाता है, तो उसको हम कहते हैं अधिक तापांतर। जबकि यहाँ आप तिरुवनंतपुरम में देखेंगे तो जनवरी का तापमान तो कितना 31 डिग्री सेंटीग्रेड है, जबकि जून में 29.5 डिग्री सेल्सियस है। तो इन दोनों के तापमान में ज्यादा अंतर नहीं है। इस प्रकार से प्रायद्वीपीय भारत में कोई निश्चित शीत ऋतु नहीं होती है, यहाँ का जो तापमान है वो ज्यादा अंतर यहाँ पर नहीं होता। किस वजह से? एक तो आपके समुद्र का पास होना, समुद्र का समकारी प्रभाव होना, और दूसरा है भूमध्य रेखा का निकट होना। भूमध्य रेखा पर मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया है कि जो आपका तापांतर है वो सबसे कम पाया जाता है। इस वजह से जो भूमध्य रेखा के आसपास के जो क्षेत्र है वहाँ भी तापांतर कम पाया जाता है। तो इन दो वजह से, समुद्र के समकारी प्रभाव और भूमध्य रेखा की निकटता के कारण, आपकी यहाँ पर प्रायद्वीपीय भारत में कोई निश्चित शीत ऋतु नहीं होती है। आगे हम इसमें चलते हैं ग्रीष्म ऋतु पर। जो आपका ग्रीष्म ऋतु का टाइम होता है वो कब होता है? मार्च से जून का। मार्च से जून का टाइम आपका ग्रीष्म ऋतु का होता है, जहाँ तापमान लगभग 27 डिग्री सेंटीग्रेड औसत होता है। अधिकतम तापमान यहाँ जैसलमेर का होता है, और जो न्यूनतम तापमान है वो लेह लद्दाख का होता है, लगभग -45 डिग्री सेंटीग्रेड। यहाँ की हम विशेष बातों की बात करें तो उनमें आती है, एक तो लू, जो दक्षिणी पश्चिमी मरुस्थल से चलने वाली गर्म शुष्क पछुआ पवने होती है, ये क्या कहलाती है? आपकी लू कहलाती है। इसके बाद में हम इसमें देखें ग्रीष्म ऋतु में एक प्रकार का आपकी धूल का बवंडर चलता है, जिसको हम कहते हैं भभूलिया। भभूलिया जो होता है, इसका सर्वाधिक प्रभाव कहाँ होता है? बीकानेर में। इसकी आकृति आकार कैसा होता है? कीपाकार, कुछ इस प्रकार का आकार होता है ये आपका धूल का बवंडर, जो हम कह सकते हैं इसको भभूलिया, तो कीपाकार इसका आकार होता है। स्थानीय ताप भिन्नता के कारण इसकी उत्पत्ति होती है, और सर्वाधिक बीकानेर में प्रभाव होता है इसका। उसके बाद में हम इसमें चलते हैं आंधी। आंधी किसे कहते हैं? कि भभूलिया व आर्द्रता जैसी परिस्थितियों का मिलन होने पर बना धूल का विस्तृत घेरा आंधी कहलाता है। इसका सर्वाधिक प्रभाव गंगानगर, हनुमानगढ़ और बीकानेर में आता है। काल वैसाखी आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। काल वैसाखी कई बार आपके 20 शब्दों में 50 शब्दों पे प्रश्न बन सकता है कि काल वैसाखी किसे कहते हैं। तो असम और पश्चिम बंगाल में वैसाख के महीने में चलने वाली जो विनाशकारी वर्षा युक्त पवने होती है, जो चाय, पटसन और चावल की खेती के लिए सबसे अच्छी रहती है, ये क्या कहलाती है? आपकी काल वैसाखी कहलाती है। असम में इन तूफानों को हम क्या कहते हैं? बारदोली छीड़ा कहते हैं। आपसे पूछा जा सकता है कि बारदोली छीड़ा किस राज्य में काल वैसाखी को कहा जाता है, या काल वैसाखी को बारदोली छीड़ा किस जगह कहा जाता है? तो कहाँ कहा जाता है? असम में कहा जाता है काल वैसाखी को बारदोली छीड़ा। तो तीनों शब्द आपको याद होने चाहिए। उसके बाद हम इसमें चलते हैं आम्र वर्षा। आम्र वर्षा क्या होती है? कि ग्रीष्म ऋतु के खत्म होते होते पूर्व मानसूनी बौछारे आमों को जल्दी पकने में सहायता देती है, जिसका क्षेत्र है केरल और तटीय कर्नाटक। जो आपका भारत से जहाँ मानसून प्रवेश करता है वो क्षेत्र कौन सा है? केरल और तटीय कर्नाटक वाला क्षेत्र है, यहीं से आपका भारत में मानसून प्रवेश करता है। तो ग्रीष्म ऋतु के खत्म होने के बाद ही, ग्रीष्म ऋतु के खत्म होने के बाद ही जो स्टार्टिंग की जो हल्की हल्की मानसून की बौछारें होती हैं, ये क्या करती है? आम को पकाने में सहायता देती है, जिसको हम क्या कहते हैं? आम्र वर्षा कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? हम आम्र वर्षा कहते हैं। और फूलों वाली बौछार, जिसको हम कहते हैं चेरी ब्लॉसम, ये क्या करती है? कहवा के फूलों को खिलने में मदद करती है। कहवा किसको कहते हैं? हम कॉफ़ी को कहते हैं। कहवा कॉफ़ी को कहते हैं। तो कहवा के फूल को खिलने में मदद कौन सी करती है? चेरी ब्लॉसम करती है, जिसको फूलों वाली बौछार कहते हैं। उसका क्षेत्र केरल व मध्यवर्ती कर्नाटक। केरल व मध्यवर्ती कर्नाटक में फूलों वाली बौछार, जो कहवा के फूल जहाँ पर खिलने लगते हैं। इस प्रकार से जो आज हमने अपनी बात करी है वो किसके बारे में बात करी है? हमारे जो मानसून का आरंभ है,
वो किस प्रकार से होता है, मानसून लौटता कब है, इसके अलावा शीत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, शीत ऋतु में जो वर्षा होती है वो दो प्रकार से होती है, एक पश्चिमी विक्षोभों से, एक उत्तरी पूर्वी मानसून से, जिसको मैंने बोर्ड के माध्यम से बहुत अच्छे से आपको स्पष्ट कर दिया है। इसके अलावा कई प्रकार की आपकी छोटी छोटी शब्दावलियाँ हैं जिसमें काल बैसाखी आ जाएगी, लू आ जाएगी, आम्र वर्षा आ जाएगी, चेरी ब्लॉसम आ जाएगी, जो आपके 20 शब्दों में कॉम्पिटिशन पेपर में आपके लिए बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो आज जो हमने अपने मानसून के बारे में पढ़ा है ये आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। तो आप मानसून से संबंधित और कुछ वीडियो देखना चाहते हैं तो आप ज़रूर इस चैनल की प्लेलिस्ट में जाने के लिए, जो ऊपर आई बटन दे रखा है और बीच में एक पिक्चर बनी हुई आ रखी है, उस पर क्लिक करेंगे तो इस चैनल की प्लेलिस्ट में जाके आप ज्योग्राफी से संबंधित, मानसून से संबंधित और भी कई वीडियो देख सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है या जैसा भी लगा है तो आप कमेंट करके बताइए कि आपको कैसा लगा। थैंक यू सो मच।